हेलो गाइस, नीरू की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ओरियो बिस्किट का केक। तो हम आपको बताएंगे ओरियो बिस्किट का केक कैसे बनाते हैं। उसके लिए लिया है हमने 150 ग्राम ओरियो बिस्किट लिए हैं। ये मैंने उबला हुआ दूध लिया है। ये हमने ओरियो बिस्किट की क्रीम को निकाल लिया है, ये भी हम केक में यूज करेंगे। ये मैंने 1 चम्मच शक्कर ली है। ये हमने 2 चम्मच मैदा ली है, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने बेकिंग सोडा लिया है। अब हम इनको पीस लेंगे। ये मैंने बिस्किट को पीस लिया है। अब इसमें हम डालेंगे, मैंने ये बटर लिया है, जो हम घर में बटर बनाते हैं ये वही बटर है। ये मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये शुगर। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। इसमें दूध डालेंगे हम। थोड़ा दूध और लेंगे। ये इसका बैटर बनकर तैयार है। अब हम इसको इसमें डालेंगे। मैंने ये गोल बर्तन लिया है, आपके पास कुछ भी कटोरा हो उसमें भी बना सकते हैं। मैंने इसमें फॉइल पेपर लिया है, मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो हम फॉइल पेपर भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम बैटर डालेंगे। अब इसको हम कढ़ाई में रखेंगे। हम इसको भगोनी में भी बना सकते हैं, ये मैंने रख दिया है। इसको हम धीमी आंच पर पकाएंगे, बीच बीच में चेक करेंगे कि हमारा केक बन चुका है या नहीं, तो इसको बनने के लिए हम रख देंगे। 25 मिनट हो चुके हैं, अब हम केक को चेक करेंगे। हमने धीमी आंच पर केक को पकाया था, हमारा केक बन के तैयार है। इसको हम 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। इतने ही हमारा केक ठंडा होता है, हम इसकी क्रीम तैयार कर लेते हैं। ये हम क्रीम तैयार करने के लिए मैंने फ्रेश क्रीम ली है अमूल की। ये मैंने ओरियो बिस्किट से जो क्रीम निकली थी वो ली है। ये मैंने शक्कर ली है, 2 बड़े चम्मच शक्कर लिया। इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। अच्छे से फेंट लेंगे इसको हम। ये हमने अच्छे से फेंट लिया है, हमारी क्रीम बन के तैयार है। ये हमारा केक भी बन चुका है, देखो कितना सॉफ्ट केक हमारा बना है, बिल्कुल सॉफ्ट है। अब इसको हम बीच में से काटेंगे। हमने क्रीम लगा ली है, अब जो हमने कट किया था इसको इसके ऊपर रख देंगे। ये मैंने क्रीम लगा ली है, इसके चारों साइड मैंने क्रीम लगा ली है। अब इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये मैंने 1 चम्मच बटर लिया था, मक्खन घर पे ही बनाया था, और उसमें मैंने चॉकलेट के टुकड़े डाल दिए हैं। हम केक के ऊपर सजाने के लिए इसको मेल्ट करेंगे। हमारी चॉकलेट मेल्ट हो रही है, इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। ये हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है,
अब हम केक पेस्ट को डालेंगे। ये मैंने चॉकलेट का पेस्ट डाल दिया है। अब इसमें हम ओरियो बिस्कुट लगाएंगे। ओरियो बिस्किट लगा लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर चॉकलेट को डालूंगी। देखो हमारा कितना सुंदर केक बनकर तैयार है। मैंने इसमें डेरी मिल्क की चॉकलेट यूज करी है। ये हमारा ओरियो केक बनकर तैयार है। अगर आपको मेरा केक बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।